नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों को लेकर ताज़ा खबर आई है। मंत्री जी का कहना है दीपावली पूर्व सभी सुविधाएं मिलेंगी, काल्पनिक शब्द विलोपित किया जाएगा। जो काल्पनिक शब्द जो वेतन वृद्धि काल्पनिक लगाई जा रही थी वो सब हट जाएंगे। तो देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाओं में आ रही रुकावट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की ओर से अपना नज़रिया स्पष्ट किया है। मंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि उनके साथ नैसर्गिक न्याय किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संघ की ओर से एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली काल्पनिक वेतन वृद्धि संबंधी आदेश को बदला जाए। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि मंत्री के सरकारी सेवकों की मेहनत का विस्तार के साथ पक्ष रखा गया। उन्हें बताया गया कि कोरोना जैसे संकट काल में कर्मचारियों ने सरकार की तन मन और धन से मदद की है। नतीजन कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें समस्त सुविधाएं समय से मिलना चाहिए। ये मांग की गई है कि दीपावली के पूर्व कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाएं। मंत्री ने भी भरोसा दिया है कि ज्ञापन के अनुसार उन्हें समस्त सुविधाएं द्वार से पूर्व प्रदान की जाएंगी। तो मित्रों, ये थी खास खबर आज की। धन्यवाद।